हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पे 1 वीक से मतलब बारिश हो रहा है, तो आज भी बारिश हो रहा है। तो लंच का प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए तेल गर्म होने के लिए रखा है और यहाँ पे है मटन। तो मटन को मैंने मैरिनेट किया है, वो ऑल टाइप्स ऑफ जितने सूखे मसाले होते हैं सबसे, और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा विनीगर। विनीगर देखे फ्रिज में रखा था, अभी मैंने निकाला जस्ट। और यहाँ पे हम लोगों का राइस भी बन चुका है और ये कुकर में बना है बेबी के लिए खाना। और यहाँ पे है पोटैटोस और इसको मैं फ्राई करूँगी अभी। और एक्चुअली हम लोग ज़्यादा रेड मीट प्रीफर नहीं करते हैं, हम लोग मतलब हमेशा लीन मीट प्रीफर करते हैं। तो आज मन हुआ कि थोड़ा सा रेड मीट खाया जाए बहुत दिनों के बाद, तो इसीलिए। तो चलिए मैं लंच बना लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सूखी मिर्च 2 तेज पत्ता, उसके बाद ये प्याज, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं मटन को इसमें डाल दूंगी। ये मैरिनेटेड मटन है जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से। तो मटन में मैंने पहले से ऑयल बहुत ज़्यादा सा डाल दिया था, तो इसलिए मैंने अभी ऑयल ऐड नहीं किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर बाद में थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, अदरक लहसुन और ऑनियन और एक चिली का पेस्ट बनाया है, तो इसको मैं अभी डाल दूंगी। और इसको मैं अभी बहुत अच्छे से फ्राई होने दूंगी, पूरा मतलब ये सूख जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, और भी थोड़ा फ्राई करूंगी इसको मैं अभी, इसके बाद फिर इसको डालूंगी कुकर में। देखिए पूरा फ्राई हो चुका है। ताकि ये फटाफट बॉयल हो जाए। कढ़ाई पे बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है ज़्यादा, लेकिन मैं कुकर में इसलिए डालूँगी क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना है और लेट भी हो जाएगा। तो और आज सिर्फ मटन ही बनेगा और कुछ नहीं बनाने का। मटन होने से और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए खाने में। तो अभी मैं ऐड कर दूंगी ये फ्राइड पोटैटोस। ये ऑल टाइप्स ऑफ जितने खड़े गरम मसाले होते हैं उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे डाल दूंगी अभी और थोड़ा सा फ्राई करूंगी। और
मटन को जिस कढ़ाई पे मैंने बनाया था उसको क्या किया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गर्म कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसको मैं अभी इसमें मटन में डाल दूंगी। डालने के बाद ऐसा ऐसा होगा, मैंने सूखा सूखा नहीं बनाया है, थोड़ा सा झोल होगा। तो ये अभी तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी, तीन चार सीटी हम तीन बार ऑफ कर दूंगी। और तो बस यही मटन तैयार हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे सीमेंट का बैग ये सब पड़ा हुआ है, तो आप लोग वो गंदगी को इग्नोर कीजिए। तो उसको मैंने प्लांटर, अभी तक भी मैंने प्लांटर नहीं बनाया है, देखती हूँ क्या प्लांटर बनाती हूँ। ऐसे मैंने सब कलेक्ट करके रखा है सब कुछ, मतलब जस्ट उसको अभी बनाना है, लेकिन मतलब नहीं बना पा रही हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो इतने दिनों में हो जाता। अभी देखती हूँ, अभी आस्ते आस्ते ठीक हो रही हूँ, तो मैं भी बनाने का कोशिश करूँगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले इतना तेज बारिश हुआ, देखिए यहाँ पे पूरा पानी, एकदम पानी पानी हो गया यहाँ पे पूरा पानी। ये ऊपर का जो ये एग्जॉस्ट है यहाँ से पूरा, यहाँ पे गैस पे भी, यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे सब जगह पानी पानी हो। मैंने अभी देखा कि बेलकोनी में भी पूरा पानी पानी हो रहा है, फ्लोर में भी पानी पानी, और यहाँ पे वॉल्स में भी पानी पूरा फैला हुआ है, तो वही है। और आज मैं थोड़ा सोच रही थी कि बाहर जाऊँगी कुछ, एक नर्सरी यहाँ मेरे पास में है, तो सोच रही थी एक नर्सरी पे जाऊँगी और कुछ मतलब इंडोर प्लांट्स जो मुझे चाहिए था तो वो लाना था, लेकिन इतना तेज बारिश हुआ कि फिर थोड़ा सा मैं सो ही गई। और अभी चलिए चाय बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो चोट लगा था ये पूरा ठीक हो गया है, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक कट का मार्क है वो ठीक हो गया। और ये वाला बहुत पुराना, मैं जब क्लास 4-5 में पढ़ती थी तब का मार्क है, तो वो तो नहीं जाएगा। और ये वाला भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ये इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला पहले का पुराना वाला, ये तो बहुत ही बड़ा कुछ हुआ था तो इसीलिए इसका मार्क तो नहीं गया। अभी ये छोटा का मार्क चला तो नहीं जाएगा, लेकिन रह जाएगा, लेकिन मैं मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। Wilson the bus go round and round, round and round, round and round. और मैं कल वीडियो मतलब एंड करना ही भूल गई, आज मंडे है और कल था संडे, तो लंच में जो बना था उसी को ही रात में खा लिया और कुछ स्पेशल और नहीं बनाया कुछ भी, और तो फिर मैं वीडियो को एंड करना ही भूल गई, तो सोचा ठीक है मंडे को एंड कर दूंगी सुबह को। तो मिलती हूँ आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और ये वाला वीडियो देखने के लिए थैंक यू।